कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम हाउस के फ्रीजर कई दिनों से खराब पड़े हैं, जिससे डेड बॉडी में बदबू का आलम हो गया है। इसे लेकर परिजनों ने मोर्चरी हाउस के पास जोरदार हंगामा किया। एक मृतक के परिजन हरकेश ने कहा कि 3 दिन उपरांत नहर से डेड बॉडी मिली, जो बिल्कुल ठीक थी। बीती रात जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम में रखी गई तो कोई अस्पताल का मुलाजिम नहीं था। पुलिस वाले डेड बॉडी रखवा कर चले गए, लेकिन अब पता चला कि पिछले 2 हफ्ते से फ्रीजर बंद है। यदि हमें पता होता तो व्यवस्था कर देते, डेड बॉडी के हालात बद से बदतर हो गए हैं और फूल गई है। वहीं एक अन्य सुनीता ने बताया कि उसके चाचा की डेड बॉडी रात को रखी थी और देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन अस्पताल वालों ने कहा था कि सुबह 7 बजे पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन 11 बज गए हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सूत्रों के माने तो सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम में फ्रिज 10 दिन से खराब है। ऐसे में सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम यानी मॉर्चरी में डेड बॉडी रखनी है तो उसके लिए बर्फ का इंतजाम खुद करना होगा, क्योंकि मॉर्चरी के फ्रीजर पिछले कई दिनों से खराब हैं और बर्फ की व्यवस्था नहीं करेंगे तो डेड बॉडी के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सारा अग्रवाल का कहना है कि मॉर्चरी में कुल 4 फ्रीज हैं। एक फ्रीज 4 दिन से खराब था और शुक्रवार को सभी 4 फ्रीज खराब हो गए। इंजीनियर को बुलाया गया है, फ्रिज ठीक हो रहे हैं। वहीं मामले की भनक लगते ही CMO डॉक्टर संतलाल ने कहा कि जैसे ही उन्हें मामले का पता चला है तो SM से सभी फ्रिज ठीक करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 300-400 आदमी इकट्ठा हो गया नहर पे, लास्ट 3 दिन के बाद लाश निकाली है। लाश निकालने के बाद हम लेके आए, हमारी लाश बिल्कुल साफ थी, जैसे लाते कह रहे थे भी खराब निकला, ये निकला, ऐसा कुछ नहीं होया, बिल्कुल साफ सुथरी लाश लेके आए। यहाँ आने के बाद एम्बुलेंस में यहाँ ले आए, ले आने के बाद यहाँ रख दी, रात को रख दी, कोई करीब 9:30-9:30 बजे के करीब। वे बोल यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं था, वो पुलिस वाले रखवा के गए साथ में। ये कह रहे थे भाई, इन्होंने ना तुम्हारे को तब बताया भाई आपका यहाँ फ्रीजर हमारा बंद है, 2 हफ्ते से फ्रीजर बंद है, बॉडी रख के चले गए, ना इन्होंने सुबह बताया भाई फ्रिज बंद है, खराब हो रहा है, भाई हम अपना बर्फ़ रख देते हैं यहाँ पे लाके, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और जब आए बोलिया, अब हमारे को बोलिया भाई सुबह 7 बजे बॉडी दे देंगे, आपको मिलेगी। अब यहाँ हमारे चाबी भी नहीं मिली, हमने यहाँ ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद हमारे पास वीडियो है, सारे प्रूफ हैं, ताला तोड़ देगी। जब हम अंदर घुसे फिर इनका बंदा आया, फिर वो कह रहा है, कभी कह रहा है मैंने तो एप्लीकेशन ले दी CMO साहब को, कभी कह रहा है MO को दे दी, कभी आए थे CMO। लाशें अंदर पड़ी हैं, लाशें बहुत पड़ी हैं, बाबे पड़े हैं 2 हफ्ते से, उनका वो तो लावारिस बाबे हैं, उनका देखो क्या हालात हो गया। हमारी बॉडी बिल्कुल सही थी, हमारी AC भी नहीं चल रहा, फ्रिज कुछ भी नहीं चल रहा भाई जी, जो फ्रिज है वो बिल्कुल बंद है, जो हमारी बॉडी थी बिल्कुल सही रखी थी हमने, आज हमारी बॉडी के हालात ऐसे हैं कि माने फ्रिज में से निकालनी भी औखी होगी। हमारे पे फ्रिज में से भी निकली इतनी फूल की बॉडी कि उसके हालात ऐसे हैं कि स्ट्रेचर पे भी नहीं गई। फ्रिज वाली एम्बुलेंस लेके आए थे, भी फ्रीजर में रख के इसको रेफर कर देंगे कल्पना चावला हॉस्पिटल में, लेकिन इसके हालात ऐसे खराब हो गए, इसके लिए अब हमारे को PGI चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वहाँ के लिए भी हमारा पोस्टमार्टम नहीं होता। अब सर हम दिल्ली से आए हैं, मैं कुरुक्षेत्रा यहाँ 13 सेक्टर में रहती हूँ, मेरे चाचा जी दिल्ली से यहाँ आ रहे थे और कल की ये बॉडी पे है, उनकी कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुद रात को बर्फ लगा के गए हैं, अभी 10 बज गए हैं, 10:11 हो रहे हैं, तो अभी तक कोई भी डॉक्टर आया नहीं है पोस्टमार्टम के लिए, और हमने दिल्ली बॉडी लेके जानी है। और रात 3-4 दिन से एक फ्रीजर खराब था, 3 चल रहे थे और आज सुबह 4 खराब हो गए, लेकिन हमने इंजीनियर को बुला लिया है और वो ठीक कर रहा है, आज वो ठीक हो जाएंगे। उनकी बॉडी जो जिन लोगों ने हंगामा किया उनकी बॉडी 3-4 दिन पुरानी थी, उसमें वैसे ही यहाँ जब लेके आए तभी 3 दिन पुरानी थी, उसमें वैसे ही बदबू हो जाती है, थोड़े टाइम तो देखो रहती है बदबू, उन्होंने अभी सफाई भी की है, सैनिटाइज भी जब बॉडीज निकाल के करेंगे बाकी भी बॉडी, पर थोड़ी देर तो वो स्मेल रहती है। सुबह जैसे ही मेरे को ये पता लगा कि फ्रीजर ख़राब है तो मैं वहाँ पे मौके पे गया तो पता लगा कि 3 फ्रीजर खराब हो रहे हैं और कुछ डेड बॉडी का भी सवाल था। मैंने तुरंत जो है MS को भी साथ में लिया, बायोमेडिकल इंजीनियर को भी साथ में लिया और RMO को भी साथ में लेके वहाँ पे निरीक्षण किया और उसके बाद में तुरंत उसको आदेश दे दिए ठीक करवाने के लिए और एक चिट्ठी भी हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख दी है इस बारे में कार्रवाई करने के लिए। और अब जो है ना 3 जो उसमें फ्रीजर है वो ठीक हो चुके हैं, एक चौथे में जो फॉल्ट है वो अभी ठीक कर रहे हैं।